नाउ एट द रूल्स, एट रूल क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, जब हम इम्पोर्ट करते हैं किसी भी फाइल को, तो इम्पोर्ट करने के लिए वो शुरू कहाँ से होगा, वो रूल एट द रेट इम्पोर्ट, ये उसका आपका क्या है इम्पोर्ट का होगा, उसके आगे आप यूआरएल दोगे, और जो भी सीएसएस की फाइल जिसको भी इम्पोर्ट करना है उसको कोट्स के अंदर आप उसका विद एक्सटेंशन उसकी नेम आएगी, तो यूआरएल जो फंक्शन है वो मार्क करेगा, वो आर्ग्यूमेंट उसका क्या होगा, उसकी जो भी आपकी सीएसएस फाइल होगी विद एक्सटेंशन वो यहाँ पर रेफर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या करता है, ये आपका बताता है जो इनहेरिटेंस हुआ। तो जैसे आपका क्या है, एचटीएमएल में दो सेक्शन होते हैं, एक आपका हेड सेक्शन होता है और एक आपका बॉडी सेक्शन होता है। हेड सेक्शन में नॉर्मली हमारे टाइटल, स्टाइल और मेटा जो हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं, और बॉडी में आपकी हेडिंग्स हो जाती हैं, पैराग्राफ्स हो जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप की हेडिंग आपकी हो जाती है, एंड फर्दर उसमें आपके क्या है, जैसे पैराग्राफ में क्या है एम्फेसिस, आपका एम्फेसाइज आप उसका एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो, या पी इमेज आप यूज़ कर रहे हो, तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। इनहेरिटेंस है तो उसमें पेरेंट और चिल्ड्रन, एक आपका पेरेंट होगा एंड सेकेंड आपका क्या होगा चिल्ड्रन होगा। जो डॉक्यूमेंट्री होती है वो नॉर्मली फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग बताते हैं, जिससे आपका क्या होता है रिलेशनशिप पता चलता है कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जांपल जो एचटीएमएल है उसमें क्या है आपका हेड, आपका एक एलिमेंट है उसको यूज़ किया हुआ है, और हेड में आपने स्टाइल एलिमेंट को यूज़ किया हुआ है। सिमिलरली इन बॉडी एचटीएमएल क्या है, उसमें फर्स्ट उसकी क्या है इनहेरिटेंस बॉडी की है, बॉडी के अंदर आपकी पैराग्राफ है, देन इमेज एलिमेंट को कॉल किया हुआ है। सेकेंड क्या है, एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली कंटेन विद द अनदर एलिमेंट। तो इस हायरार्किकल जो हमारी क्या होती है हायरार्किकल स्ट्रक्चर से, डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे डायरेक्ट इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज़ को। द लास्ट वन इज ऑल द एलिमेंट हायर अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज द हायरार्की आर इट्स एंसेस्टर। ठीक है, तो जैसे हमारा क्या है, जैसे बॉडी का इमेज का क्या है, इमेज के एंसेस्टर कौन कौन से हैं, पैराग्राफ, बॉडी एंड एचटीएमएल। सिमिलरली जो एचटीएमएल किसका, इस एचटीएमएल के डिसेंडेंट क्या कौन कौन होंगे, बॉडी, पैराग्राफ एंड इमेज। बॉडी के आपके क्या है डिसेंडेंट क्या है, ये सारी लिस्ट है, एच वन पी पी सेकेंड पैराग्राफ, देन एच टू, देन नेक्स्ट थ्री पैराग्राफ, देन एच टू एंड देन नेक्स्ट टू पैराग्राफ। ठीक है, बट पैराग्राफ के यहाँ पर इस पैराग्राफ का सिर्फ एक ही डिसेंडेंट है, दैट इज इमेज। तो पास इट ऑन, पास इट ऑन आपका क्या कहता है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी आप क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमने क्या किया है, ये स्टाइल यूज़ किया है कि पैराग्राफ पी एलिमेंट में फ़ॉन्ट साइज़ क्या है लार्ज, और फ़ॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ आपने सेलेक्ट की है। तो ये सिर्फ पैराग्राफ में की है, और इसे कहाँ डिक्लेयर किया है आपने, आपने इसे स्टाइल में आपने इसे डिफाइन किया। तो स्टाइल आपका क्या कर देगा, ये आपकी जो भी पैराग्राफ है, देखो अब आपके पास क्या है बॉडी में आपके 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, इन सब की प्रॉपर्टी को वो क्या कर देगा लार्ज, से उसका फॉन्ट साइज हो जाएगा, और सेंस सेरिफ इस प्रॉपर्टी को वो क्या कर देगा सेट कर देगा। नेक्स्ट अगर हमने क्या किया बॉडी में, देखो अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी कलर डिसाइड नहीं किया है, अगर मान लो बॉडी बॉडी है जो सेक्शन है उस एलिमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं एट्रीब्यूट, हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कलर ब्लू। तो ये क्या करेगा, जितने भी बॉडी के एलिमेंट हैं उस पूरी बॉडी का आपका क्या है जो कलर है वो क्या कर देगा ब्लू कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी, और नॉर्मली जो बॉडी की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इसके सब डिसेंडेंट में और ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल द कैस्केडिंग। अब सीएसएस में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि स्टाइल शीट के अलावा उनके साथ हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो अब यहाँ पे क्या था, जैसे हमने क्या कर दिया यहाँ पर डिफाइन कर दिया एच वन बॉडी कॉम, नेक्स्ट क्या दे दिया यहाँ पर एच वन, इसका कलर क्या दे दिया ग्रीन दे दिया। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया क्योंकि इसने डिसेंडेंट क्या किया, ये बॉडी का डिसेंडेंट है, तो बॉडी की जो भी प्रॉपर्टी है वो एच वन ने इनहेरिट कर दी। तो फिर ये क्या करेगा, एच वन का कलर लेकिन हमने क्या डिसाइड कर रखा है, वो कर रखा है हमने स्टाइल में, वो हमने ग्रीन डिसाइड कर दिया।
तो इस टाइम पे जो H1 का कलर क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। सबसे पहले कैस्केडिंग करेंगे। तो नॉर्मली कैस्केडिंग क्या रेफर करता है कि जो भी स्टाइल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी स्टाइल इन्फॉर्मेशन है किसी भी पेस की या किसी भी एलिमेंट की, उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें स्टाइल इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, जो भी उसका स्टाइल रूल है, जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा वो क्या होता रहेगा, पास ऑन होता रहेगा जब तक उसको किसी ने ओवरराइड नहीं कर दिया। सेकंड क्या है कैस्केडिंग में, वेट डज मैटर। वेट क्या है, वेट इज़ कंसीडर ऑन द प्रोडक्ट। ये तीन चीज़ों में आपका कंसीडर होता है। द फर्स्ट वन इज़ प्रियोरिटी, द सेकेंड इज स्पेसिफिसिटी ऑफ सिलेक्टर, एंड द थर्ड इज़ रूल ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले हमें वेट को कंसीडर करने के लिए हमारे पास क्या होगी, प्रायोरिटी को हम सेट करते हैं। तो प्रायोरिटी आपकी चार तरीके से आपकी साइन करते हैं। द फर्स्ट इज डिफॉल्ट रेंडरिंग और यूज़र एजेंट स्टाइल शीट, द सेकेंड इज यूज़र स्टाइल शीट और रीडर स्टाइल शीट, द थर्ड इज ऑथर स्टाइल शीट, एंड फोर्थ इज इम्पॉर्टेंट। तो डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग क्या होता है, जब किसी वेब पेज में कोई भी एक्सप्लिसिटली स्टाइल इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, तो वो क्या करता है, ब्राउज़र की जो इंटरनल स्टाइल शीट है उसको यूज़ करता है और वेब पेज पर इम्प्लीमेंट कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग कहते हैं। द सेकेंड इज यूज़र स्टाइल शीट। यूज़र स्टाइल शीट क्या कहता है, इन सम वेबसाइट जो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल यूज़र है वो उसकी स्टाइल को चेंज कर सकता है, तो उसे इसीलिए यूज़र स्टाइल शीट कहा जाता है और रीडर स्टाइल शीट कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑथर स्टाइल शीट। अगर ऑथर ने, जिसने वेब पेज क्रिएट किया है, वो उसके साथ एक स्टाइल शीट को अटैच कर देता है, तो वो यूज़र स्टाइल शीट एंड यूज़र एजेंट स्टाइल शीट दोनों को क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है। आप इसके जो हायरार्की है वो चेक कर सकते हैं स्टाइल रूल हायरार्की में। द लास्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्या होती है, द मेन एक्सेप्शन इन प्रायोरिटी होती है। अगर ये प्रायोरिटी कहीं पे असाइन है, ये नॉर्मली इसको इम्प्लीमेंट करने का वे होता है आपका क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन होता है देन इम्पोर्टेंट लिखा होता है, तो वो अगर कहीं पे भी अगर मेंशन है तो वो स्टाइल क्या हो जाएगा, सबसे वो हर उसको स्टाइल को वो क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। वेदर इट्स यूजर स्टाइल शीट, वेदर इट्स ऑथर स्टाइल शीट, वेदर इट्स डिफॉल्ट रेंडरिंग। तो जो इम्पॉर्टेंट के साथ आपने स्टाइल मेंशन किया है वो प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। द सेकेंड इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या है कि अगर मान लो दो रूल्स हैं, ठीक है, तो कौन किसका ज़्यादा वेट होगा वो डिसाइड करते हैं स्पेसिफिसिटी से, ठीक है। मान लो ये क्या कहता है कि जो आईडी है वो मोर स्पेसिफिक होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी जनरल एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लो आईडी को, आईडी सिलेक्टर हमने यूज़ किए, सिलेक्टर स्ट्रिंग यूज़ की हुई है, तो आईडी सिलेक्टर स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जनरल एलिमेंट में कोई प्रॉपर्टी सेट कर रखी है। द नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ अ डिक्लेरेशन। ओरिजिन ऑफ डिक्लेरेशन, अब हमने कहा था जैसे हमारी चार तरह की हमारी क्या होती है स्टाइल रूल होते हैं, तो एक होता है आपका ऑथर, सेकेंड आपका यूज़र एजेंट, एंड थर्ड कौन है, यूज़र है। विजिटर अगर आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो यूज़र हो गया। अगर आपके क्या करें, अगर आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो बेसिक पे स्टाइल है वो आपका यूज़र एजेंट हो जाता है, और ऑथर जिसने डिक्लेयर किया है, जिसने वो पेज क्रिएट किया है, जो उसका ऑथर है, वो अगर स्टाइल शीट को एम्बेड कर रहा है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इम्पोर्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके ऑथर डिक्लेयर करेगा। तो ये तीन ओरिजन होते हैं। जो प्रायोरिटी होती है वो हाई टू लो, ये आपके क्या है, प्रायोरिटी वाइज दिखा रखा है। द फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन, इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन है और यूज़र ने आपकी क्या है, इम्प्लीमेंट की है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन है और ऑथर ओरिजन ने किया है। तो हमारे तीन ओरिजन है, ऑथर, यूज़र एजेंट एंड यूज़र। तो यूज़र ने डिफाइन की है और उसके आगे इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो वो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। उसके बाद ऑथर ने लिखा है बट उसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, तो वो सेकेंड हाईएस्ट है। उसके बाद आपकी क्या है, नॉर्मल डिक्लेरेशन विद ऑथर ओरिजन, देन नॉर्मल डिक्लेरेशन विद यूज़र ओरिजन, नाउ कोई भी डिक्लेरेशन वाया यूज़र एजेंट ओरिजन। तो ये आपकी क्या है, प्रायोरिटी होती है। तो इस तरीके से जो भी स्टाइल डिफाइन किए गए हैं तो इसके बेस में प्रायोरिटी हाई टू लो आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
नाउ स्पेसिफिसिटी आपकी थी, तो स्पेसिफिसिटी हमने कहा था जैसे आईडी का एग्जांपल लिया था, सबसे हाईली स्पेसिफिक आपकी क्या होती है, आईडी सिलेक्टर को माना जाता है। उसके बाद आपकी क्या है, क्लास और सूडो क्लास सिलेक्टर। क्लास में आपने क्या किया, क्लास के बाय आप क्लास स्पेसिफिकेशन कर रहे थे। सेकेंड सूडो क्लास सिलेक्टर, जिसमें आप क्या कर रहे थे, एंकर एलिमेंट को यूज़ कर रहे थे। उससे नेक्स्ट क्या है, डिसेंडेंट एंड टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर और डिसेंडेंट जो सिलेक्टर होते हैं वो मोर स्पेसिफिक हैं, एंड जो यूनिवर्सल सिलेक्टर हैं दीज आर लेस स्पेसिफिसिटी। नाउ जो इम्पॉर्टेंट अगर आपको डिक्लेयर करना है तो इम्पॉर्टेंट आपका कैसे है, यहाँ पे देखिए पी कलर ब्लू दे दिया है एंड उसके आगे विद स्पेस एक्सक्लेमेशन साइन एंड इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट आपकी स्टाइल सिलेक्टर रूल है। तो ये आपका क्या होगा, ये इन सब को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा। ठीक है, देर आर सम अदर पॉइंट इन इनहेरिटेंस। द फर्स्ट इज CSS में देर आर वेरियस प्रॉपर्टी बट ऑल आर नॉट इनहेरिटेबल। द सेकेंड इज जो स्पेसिफाइड जो वैल्यूज होती हैं उस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, वो दो तरह से होती हैं। द फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड सेकेंड इज रिलेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू वो होंगी जिसको अंडरस्टूड करने के लिए कोई भी कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिलेटिव वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जिसको अंडरस्टूड करने के लिए आपको किसी कंटेक्स्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लार्जर। अब लार्जर अगर आपने दे दिया है तो दैट मीन्स वो लार्जर किसी से रिलेटेड है, तो उसके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या है, CSS2 रिकमेंड करता है कि जो भी स्टाइल है उसकी वैल्यू या प्रॉपर्टी जो भी आप क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो, वो पेरेंट से आप क्या होंगी, ऑटोमेटिकली पेरेंट से इनहेरिट हो जाएंगी। नाउ द लास्ट इज रूल ऑर्डर। रूल ऑर्डर क्या कहता है, द कैस्केडे फॉलो कहता है लास्ट वन रूल, लास्ट वन विंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ स्टाइल है, तो पैराग्राफ आपने फर्स्ट में कलर रेड दे दिया, एक जगह पैराग्राफ कलर ब्लू दे दिया एंड थर्ड में कलर उसका ग्रीन कर दिया। अब इन तीनों की सेम आपके प्रायोरिटी है, सेम स्पेसिफिसिटी है, तो इसमें कोई भी हायर नहीं कर सकते, किसी को भी कम नहीं कर सकते। तो इट सेज दैट कैस्केडे रूल के अकॉर्डिंग जो लास्ट है, दैट मीन्स पी कलर इक्वल टू ग्रीन, तो ये दैट मीन्स जो भी पैराग्राफ होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन होगा, ना कि रेड और ब्लू। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।